हेलो, मेरा नाम है अतुल शर्मा और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक्टिवा 110cc का। तो आज इसी के बारे में हम इसके ओनर से बात करेंगे कि ये कैसे चलती है, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है और लॉन्ग टर्म में हम रख सकते हैं इसको या नहीं रख सकते। तो शुरू करते हैं। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं एक्टिवा 110cc का। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे इसके ओनर से। इसका ओनर ये रहा, ये मेरा क्लासमेट है कॉलेज में, इसका नाम है यश। तो यश, ये स्कूटी तुमने कब ली थी? 2018। इसमें 2018 में ली थी। तूने मुझसे कुछ टाइम पहले ली थी, 7-8 महीने पहले। तो एक तूने कितने चला दिए? 9000 के आसपास चला दी इसने। इसने मुझसे पहले ली थी और इसकी स्कूटी मुझसे आधे किलोमीटर चली है। तो ये स्कूटी चलने में कैसी है भाई? नॉर्मल, बढ़िया है। पावर वगैरह तेरे को ठीक लगती है? वैसे भी तो आराम से चलाता है। तो इसके अंदर, इस एक्टिवा के अंदर आपको 7.9 PS की पावर मिल जाती है और 9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है, जो कि कंपटीशन में जो एंटॉर्क और एक्सेस है उनसे काफ़ी कम है। आपको ये पावर सिटी में और हाईवे राइडिंग में फील होगी। इसकी टॉप स्पीड 80-85 ही है, जो इसकी कंपटीशन में कम है। तो आप इसका देख सकते हैं, इसका ये जो मीटर है ये डिजिटल प्लस एनालॉग है। आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि इसका क्वालिटी इशू है कुछ। ये इसके ऊपर कोई लेमिनेशन आती है और ये उतर नहीं रही है अब इसके ऊपर से। तो होंडा वाले ध्यान तो कम दे रहे हैं, इनका ये प्रोडक्ट चल चुका है जिसके कारण ये ध्यान कम दे रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये टॉप एंड मॉडल है उस टाइम का। ये 5G है और 5G का ये टॉप एंड मॉडल है, डीलक्स मॉडल है। इसके अंदर भी उस टाइम टेलीस्कोपिक नहीं आते थे। इसके अंदर ये फ्रंट में दूसरा सस्पेंशन है, स्टील रिम्स हैं और ड्रम ब्रेक ही आते थे इसमें। टॉप मॉडल में भी आप देख सकते हैं कि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं दिए गए हैं और ये पैसे टॉप मॉडल के हिसाब से ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका ये जो फुटबोर्ड है, ये ठीक है, चौड़ा तो है, लेकिन इसमें आप अगर कुछ ज़्यादा सामान रखना चाहें तो वो रख नहीं पाएंगे, कंपटीशन से इसमें कम है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका ये जो बूट स्पेस है, इसमें हमें एक 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं ये हाफ फेस हेलमेट है और ये ऐसे रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रखने के बाद जगह तो बची है, लेकिन इसमें फुल फेस हेलमेट नहीं आ पाएगा, ये काफ़ी छोटा है। इसमें आपको फ्यूल टैंक मिलता है 5.3 लीटर का, ये इसके अंदर ही आता था उस टाइम। तो ये कंपटीशन से ये भी काफ़ी छोटा है। होंडा वाले इसकी क्लेम करते हैं सिटी के अंदर एवरेज 45-50 और हाईवे में ये 60 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज करते हैं, लेकिन जितना मेरे को पता है ये सिटी के अंदर अगर आप चलाते हैं तो 35-40 ही दे पाती है, क्योंकि छोटा इंजन है और सिटी में पावर हमें ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि एकदम से एक्सलेट करना पड़ता है हमें कई बार, तो ये एवरेज कम देती है। अगर थोड़ा इंजन इसका बड़ा होता तो ये काफ़ी अच्छी एवरेज दे सकती थी। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी हालत कैसी है अभी। इसमें काफ़ी सारे क्वालिटी इशू हैं। इसकी टेल लाइट आप देख सकते हैं, ये टाइम के साथ जबकि ये गार्ड लगा हुआ है तब भी इसकी ये क्वालिटी इशू है। जैसे इसके फ्रंट के मीटर में इशू था, वैसे सेम इशू इसमें ये है। मैं आपकी इसको आवाज़ सुनाता हूँ, इसकी आवाज़ में काफ़ी चेंज है। देखिए, एक बार में स्टार्ट भी नहीं हो रही है, आप इधर से आवाज सुन सकते हैं। जस्ट नॉट सुन पा रहे हैं, उस हिसाब से इसकी आवाज काफी चेंज हो गई है। होंडा का इंजन वैसे रिफाइंड ज्यादा आता है स्टार्टिंग में, कुछ तो ये ओनर की गलती कि वो टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते हैं। सर्विस उसकी हमेशा ड्यू रहती है, अभी भी शायद उसकी ड्यू सर्विस चल ही रही है। तो हम इसके ओनर से बात करते हैं इसके बारे में और ज़्यादा,
कि वो इसकी सर्विस कैसे करवाते हैं और उसकी सर्विस कॉस्टिंग वगैरह क्या है। तो यश आके बता यहाँ पे, इसकी सर्विस तो सर्विस सेंटर से ही करवाते हैं या बाहर से करवाते हैं? डिपेंड करता है, कभी सर्विस सेंटर कभी बाहर। तो सर्विस सेंटर से जब करवाई थी तो इसकी सर्विस कॉस्ट क्या थी? इंजन ऑयल कितने का आता था इसका? अराउंड 300। इसका 300 के करीब इंजन ऑयल आता है और इसकी लेबर 350 आती होगी, 300-350 अराउंड। 300 तो ये आपको 600 से 650 तक पड़ती है। ये इसकी रेगुलर सर्विस की कॉस्ट है। अगर इसमें कोई अलग से पार्ट डलता है, एयर फिल्टर या ब्रेक पैड्स वगैरह, तो उसकी एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो इसकी सर्विस, इसकी कंपटीशन में मेरे पास जैसे एक्सेस है उससे ज़्यादा है इसकी सर्विस कॉस्ट। तो और इसका इंजन भी छोटा है। तो ये एक्टिवा मेरे को इसलिए पसंद नहीं थी, मेरे घर वाले तो बोल रहे थे कि तो एक्टिवा ले ले, लेकिन इसकी क्वालिटी इशू की वजह से ही मैंने ये नहीं ली थी। इसका इंजन काफ़ी माना गया है, लेकिन होंडा वाले जैसे होता है ना कि कोई प्रोडक्ट चल जाता है तो उसके बाद कंपनी उसमें कॉस्ट कटिंग करने लग जाती है। तो इसमें काफ़ी जगह कॉस्ट कटिंग की गई है। इसमें पहले पार्ट्स की जो क्वालिटी आती थी वो क्वालिटी अब नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि इसको 3 साल ही हुए हैं और 3 साल में ही इसके काफ़ी सारे पार्ट्स पे बड़े बुरी तरीके से इसका कलर उड़ चुका है। ये देख सकते हैं, ये पहले डार्क ब्लैक आता था और इसका कलर उड़ चुका है। ये पार्ट भी ख़राब हो चुका है। मैंने आपको टेल लाइट भी दिखाई थी, वो भी ख़राब हो चुकी है इसकी। और यश ये बता, तूने इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट चेंज करवाया था? कोई बल्ब फ्यूज हुआ हो या कोई मीटर में दिक्कत हो, वायर टूट गई हो? नहीं, ये स्टॉक ही है, जो आया था पार्ट वही चल रहे हैं इसमें। अब तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो तो थोड़े ड्यूरेबल हैं, वो ख़राब नहीं हुए। वैसे भी इसने चलाई बहुत कम है, 8,000-9,000 किलोमीटर ही चलाई है इसने। तो एक बार अब मैं इसको देखता हूँ ये बैठने में कैसी है। अगर आप देख पाएँ तो इसकी हैंडलिंग वगैरह ठीक है। ये आपको थोड़ी काफ़ी थोड़ी छोटी फील होती है, आपको नज़दीक फील होगी अगर आप इस पर बैठेंगे। और अगर आप इसकी कंपटीशन में जैसे एंटॉर्क वगैरह, वो थोड़ी स्पोर्टी फील देती है, ये थोड़ी आपको ऐसे रिलैक्स फील देगी। तो सिटी राइडिंग के लिए ये काफ़ी अच्छी स्कूटी आप ले सकते हैं इसको। बाकी अगर आप इसकी कंपटीशन में दूसरी तरफ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यश, तू स्कूटी लेके सेटिस्फाइड है, खुश है? yes. तूने इसके बाद एक और एक्टिवा 5G ली थी ना, तो वो कैसी चल रही है? सही चल रही है। तो एक्टिवा लेके तो खुश है? ये कार्बोरेटर मॉडल है, एक्टिवा 5G कार्बोरेटर के साथ आती थी, अब तो 6G में इंजेक्टर आने लग गए हैं। तो यही था इस स्कूटी का रिव्यू। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या कुछ ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।